बस कर, अब शांत हो जा। अरे बापूजी ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी के घर पर जाते हैं और उससे झगड़ा थोड़े करते हैं। अरे बहू होता है कभी, भूल जा। अरे बापूजी कैसे भूल जाओ, भीड़े बैठ के मेरा गला नहीं सूखता था और आज उसे भीड़े बैठ ने मुझे कितना भला बुरा कहा। अरे बहू इतनी चिंता कर करके क्यों अपने आप को परेशान कर रही है, अरे होता है कभी ऐसा, भूल जा। हा? मैं सोने जा रहा हूँ। जी बापू जी। बेटा बहू को जरा समझाना। क्या हुआ दया? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछे, आज मेरा अपमान हुआ है। दया वो हमारा वडील है, उनका हक बनता है हमारा अपमान करना, हम उनका बच्चे हैं, उनकी छत्र छाया में जीते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? बापूजी की। बापूजी ने मेरा अपमान नहीं किया है। तो किसने किया तेरा अपमान? भीड़े। भीड़े। भीड़े की इतनी हिम्मत हो गई? अब तक वो सिर्फ मुझसे झगड़ा करता था, चलो तब तक समझे वाली बात है, मर्द मर्द लड़ते हैं, लेकिन आज उसने तेरा अपमान किया। भीड़े चश्मीस, उस आधे चांद को आज मैं पूरा चांद बना दूंगा। अरे नहीं, भीड़े मैंने अपमान किया है, भीड़े भाई नहीं। माधवी भाभी ने? हाँ, और सिर्फ मेरा नहीं, साथ में आपका भी अपमान किया है। क्या किया? Who are you? अरे मुझे सब पता है, आपके घर पैसा कैसे आता है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे घर लक्ष्मी आती है और आपके घर धन आता है। बोलिए ऐसा हुआ? इसका मतलब हमारे ही घर में आके हमारा ही अपमान। भीड़े, अरे सुनिए, भीड़े बहन ने झगड़ा किया है तो फिर आप भीड़े भाई पर गुस्सा क्यों निकालते हैं? क्यों? टप्पू की शरारत को लेकर वो भीड़े पूरी सोसाइटी के सामने मुझसे झगड़ा नहीं करता है, तो आज मेरी बारी है, आज मैं भीड़े बहन को लेकर पूरी सोसाइटी के सामने भीड़े से झगड़ा करूंगा। भीड़े, भीड़े।